आराम से। अबे नाग, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी इस समय टाइम हो रहा है 10:30। तो आज हम आ गए अपने खेत में, तो आज होगी इन खेतों की सिंचाई, क्योंकि गेहूं ऐसे भी सूख रहे हैं। तो इसके पहले अब हम इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो 4-6 लोग मिलकर इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंजन स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो चलिए दिखाते हैं। वो देखिए, उधर पट्टीदार बैठे हुए हैं, इधर इंजन स्टार्ट किया जा रहा है भाई धर्म और रोहित के द्वारा। अब देखिए ये लोग कब स्टार्ट करते हैं इस हमारे इंजन को, और देखते हैं पूरी प्रक्रिया। हाँ, फूको फूको फूको, दम लगा के फूको। हाँ, ये देखिए धर्म भाई स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ का लोकेशन देखिए काफी प्यारा व्यू है। हम लोग पूरे एकदम सिवान में हैं, सिवान यानी कि खेतों के बीच में। यहाँ का पूरा आप यूरिया एरिया देख सकते हैं। ये देखिए पुरानी परंपराओं के अनुसार ये कुआं वैसे बनाया गया है। चलो, हाँ, नॉट रिस्पॉन्स। तो गाइस, काफी मशक्कत के बाद फाइनली जाके हमारी मशीन तैयार हुई, यानी कि चलने लगी। तो आप ये देख सकते हैं पुरानी मशीन, डीजल इंजन, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ का। तो हमने पाइप फैला करके पाइप इसके पाइप में बांध दिया, ये देखिए पाइप। और इसको फैलाते हुए हम उधर से जा करके डायरेक्ट इसको खेत में गिरा दिए। बाकी नीचे हम सिंचाई कर चुके हैं। सबसे प्यारा यहाँ का व्यू लग रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली। सामने उधर सई नदी है जो कि जस्ट बगल से होकर गुजरी है। अब इधर आप देख सकते हैं नीम का पेड़, इधर मेरा इंजन, और उधर देख सकते हैं पूरा पीले पीले सरसों के फूल। तो ये पुरानी परंपराओं के अनुसार ये मशीन अभी चल रही है। और ये रहा नीम, इसमें आप पंखा देख सकते हैं, वो देखिए। आवाज सुनिए इस मशीन की। तो आप गेहूं का फसल देख सकते हैं। ये इंजन का पानी है, यानी कि जो डायरेक्ट पाइप में से इंजन में आता है इंजन को ठंडा रखने के लिए, फिर उसी वही पानी इंजन जो है बाहर निकालती है। ये पूरा आप गेहूं देखिए नज़दीक से। और इस साल तो ठंडी भी सही नहीं पड़ी, और दूसरी बात ये कि बारिश थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए था, बारिश भी नहीं हुई, और इसलिए गेहूं बार बार भरना पड़ रहा है, सिंचाई करनी हो रही इसकी। और सूख भी जा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हवा भी चल रहा है काफी तेज, तो ऐसे में जो नमी रहती है खेतों में वो सूख जाती है। ये देखिए पानी यहाँ तक पहुंच गया हमारे खेत का। अब यहाँ से आप पूरा लोकेशन देखिए, काफी अच्छा दिख रहा है। इधर पूरा सरसों, डबल पाइप, ये पाइप दूसरे किसी की है, और ये वाली जो फोल्ड होकर आई हुई है ये मेरी पाइप है। तो हम जा करके यहाँ रखे इसको। इधर देख सकते हैं पूरा पानी लग गया है खेतों में, और बाकी वहाँ तक पूरा माथे तक वहाँ तक जाएगा। फिर इस पाइप को हम निकाल करके इसमें रखेंगे, तो ऐसे में सिंचाई आसानी से हो जाएगी।
इधर नीचे आप देख सकते हैं हम पूरा सिंचाई कर दिए यहाँ तक, यानी कि जो फसलें सूख रही थी उसको सिंचाई कर दिए हैं, बाकी जो बाकी बचा हुआ इसको बाद में करेंगे। याद यहाँ तक पानी आ गया इसका। तो गाइस देखिए फाइनली हमारा हो गया है, अब धर्म भाई पाइप खोलेंगे। खेत पूरा हो चुका जितना सूखा था, धर्म देखिए पाइप खोल रहे हैं, अभी इंजन चल रहा है, खोलो। हाँ ये रहा निर्मल पानी। ये देखिए ऐसे पाइप मोरी जाती है, और पाइप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर पाइप आप सर्किल में मोड़ रहे हैं तो पाइप में कहीं जब कहीं मोड़ नहीं रहेगा तो फिर फटेगी नहीं जल्दी से, और हमेशा राउंडिंग अगर फोल्ड कर रहे हो पाइप तो आप सुरक्षित बनेगी।